ये मामला ऊपर से जैसा आदेश है वही तरह से कार्रवाई हो जाएगी। और रहा पत्थरबाजी का सवाल है, पत्थरबाजी एक करेगा बाकी सबका नुकसान हो जाएगा। आपके बीच में भी हमारे लोग है, उनके बाद जो ये नाटक कर रहा है उसके फोटोज भी है। जब ये कार्रवाई होंगी बहुत सीरियस कलम लगेंगे, आपका नुकसान होगा जो मैं चाहता नहीं हूँ। ये जो नुकसान हो रहा है इससे ज्यादा और नुकसान क्या हो सकता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, खबर कल विरार के कनेरपाटा में बड़ी तोड़क कार्यवाही हुई थी। कल की कार्यवाही जहां शांत हुई थी, वहीं आज कार्यवाही में काफी कुछ उग्रता दिखाई दी। दरअसल आज जब प्रशासनिक अमला कनेर के इस सरकारी भूखंड को अतिक्रमण मुक्त करने गया, उस समय वहां के लोग भड़क गए और प्रशासनिक अमले पर पथराव शुरू हुआ। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके जहां कुछ ऐसा तोड़क कार्रवाई नहीं थी वहां के लोगों के ऊपर भी हल्का बल प्रयोग किया। उसके गुस्से में ये लोग ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। कल हम खुद ग्राउंड पे मौजूद थे, कल कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं सामने आई, लेकिन आज न जाने क्या हुआ, जनता कुछ उग्र हो गई और उन्होंने प्रशासन के ऊपर ही पथराव कर डाला। इससे पूर्व क्षेत्र से एक महिला के खुद को खत्म कर देने की बात भी सामने आई। अभी हालांकि इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है, जैसा मैंने अभी कहा, कि प्रशासन जो है वो सख्त रवैया अपना रहा है, जबकि सख्त रवैया अपनाने की जरूरत नहीं थी। अब ये तो जो माहौल आज क्रिएट हुआ उसकी बात, लेकिन सवाल वही है जो कल थे। सवाल वो है कि जब सरकारी भूखंड कई सालों से वहां अनधिकृत अवैध निर्माण हो गए और वहां पर अवैध निर्माण करने वाले जो अवैध निर्माता है, अवैध भूमाफिया है, और लोग ने निर्माण करके अलग अलग मजबूर लोगों को ये घर बेचे और वो लोग अपना पैसा मुनाफा कमा के निकल गए। जिस समय वो ये घर बांध रहे थे उस समय प्रशासन क्या सोया था? प्रशासन ने उस समय कार्यवाही क्यों नहीं की? और अगर प्रशासन की कार्यवाही, प्रशासन पे यहां सवाल उठता है, तो सवाल उन लोगों के ऊपर भी है जो ऐसे अनाधिकृत चाल बनाने वाले भूमाफियाओं के चुंगुल में फंसते हैं और बिना किसी जांच परख किए अपना पैसा ऐसे घरों में लगाते हैं, जिसका नतीजा इस तरह से सामने आता है। यानी कि सवालों के कटघरे में दोनों ही पक्ष, प्रशासन भी है तो जो मासूम और भोली बनने की बात कर रही है जनता, वह जनता भी है। लेकिन फिर भी एक वही बात है कि प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है कि जब बना उस समय तोड़ा होता तो वहां कोई फंसता नहीं था। जिस समय बना वहीं उसी समय प्रशासन ने तोड़क कार्रवाई नहीं की, तब लोग उसमें घुसे कि यह टूटने वाला नहीं है, और एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, इस तरह से लोग आते चले गए। कल की तोड़क कार्यवाही में करीब 100-150 घर उजाड़ दिए गए थे, और आज की कार्यवाही भी शुरू हुई थी और उसके बाद कुछ ही घंटों में ये घटना पेश आई। तनाव काफी हो गया और उस तनाव के चलते आखिरकार प्रशासन को उल्टे पैर जाना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार मैडम खुद जगह पर थी और साथ ही साथ एसीपी, पुलिस उपायुक्त भी जगह पर थे, लेकिन भीड़ के सामने उन लोग को लौटना पड़ा। तो वहीं भीड़ ने
अपने ऊपर अत्याचार किए जाने का प्रशासन पर आरोप भी लगाया और कई लोगों ने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उनको लगी मार को दर्शाया। हालांकि इस घटना में पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोगों को चोटें आई। अब फिलहाल कार्यवाही रुकी हुई है और इन लोगों को कुछ दिनों की मोहलत दी गई है, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई है। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि वहां एक महिला द्वारा खुद को खत्म कर दिए जाने की बात भी फैली थी, इस बात को कई लोगों ने जबानी बोला है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ना ही हम इस बात की सच्चाई की पुष्टि हम भी करते हैं। लेकिन जो भी आज हुआ वो बेहद शर्मनाक था और प्रशासन पर सवाल यह भी है कि प्रशासन इस तरह के अनाधिकृत बांध काम को तोड़ता है, ठीक है, लेकिन जो बिल्डर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे अनाधिकृत तौर पर बना देते हैं उस पर तोड़क कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? ये कार्यवाही महसूल विभाग की थी, तहसीलदार उनको सहयोग कर रहे थे, महानगर पालिका का पूरा जो सिस्टम है वो तहसीलदार को, महसूल विभाग को सहयोग कर रहा था और ये संयुक्त कार्यवाही थी। महानगर पालिका ऑथोरिटी है जो लोगों को घर पट्टी और सुख सुविधाएं देती है, तो इन लोगों का एक सवाल यह भी है कि उनको घर पट्टी क्यों दी जाती है। अब ये लोगों का सवाल है, फिर वही जवाब है कि घर पट्टी दिया जाना मतलब किसी भी तरह के अनधिकृत बांध काम का लीगल होना कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये चीज हर एक को नहीं मालूम और उसी का खामियाजा इस तरह से सामने आता है। मैं बात कर रहा था कि महानगर पालिका ये तोड़क कार्यवाही में तहसील को मदद कर रही है, लेकिन महानगर पालिका से मेरा सवाल है, इस महानगर पालिका के खुद अधिकारी जिनका बंगला इलीगल है, क्या उस पर तोड़क कार्यवाही महानगर पालिका कर रही है? नहीं। तो क्या प्रशासन को ऐसे गरीब लोग ही दिखाई देते हैं, दबे कुचले लोग ही दिखाई देते हैं जिसको इस तरह से प्रशासन उनके घरों से निकालकर उन पर तोड़क कार्यवाही करती है? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जबकि हफ्ता वसूली करके अपना पैसा बनाकर बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उनके घर इलीगल है, उनको तोड़क कार्यवाही करने की हिम्मत प्रशासन करेगा? ये सवाल है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है, अब आगे क्या होगा जाएगा, अब आगे क्या होगा वो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786